ఇసాగర్ వాళ్ళ కంపౌండ్ కి రోడ్ వేసారు ऐसा काम मुक्ति शायद भी कराएगा बनवा देंगे क्या किसका मेरा नहीं वो तो आपकी जिम्मेदारी है ना आमदार किसे देखना चाह रहे हैं बबलू को अरे अरे मजाक मालेगांव के एक नए इलाके में हम लोग मौजूद हैं बात करेंगे लोगों से और उनके ख्याल उनके विचार जानने की कोशिश करेंगे चलिए बिना किसी देरी के बात करते हैं क्या नाम भैया क्या नाम है आपका मालिक अंबर अभी विधानसभा चुनाव आने वाला है आमदार के रूप में किसे देखना चाह रहे हैं अभी तो मामा जो है शेख आसिफ भाई अपील कर रहा था आप शेख आसिफ आप देखना चाह रहे हैं शेख आसिफ को देखना चाह रहे कोई खास कारण उन्हें सपोर्ट करने वो काम अच्छा करता है जमीन पे काम करता है जमीन पे काम करता है शेख आसिफ का काम जमीन पे दिखता है आमदार किसको देखना चाह रहे हैं भैया मुफ्ती इस्माइल साहब को मुफ्ती इस्माइल साहब कोई खास कारण उन्हें सपोर्ट करने का मुफ्ती इस्माइल साहब की वजह से बहुत सी काम है काज है अच्छी से होती है और गुंडागर्दी कम होती है मुखालिफिन के लोग तो बोल रहे हैं कि काम नहीं हुआ पिछले 5 साल में क्या काम नहीं हुआ आज आगरा रोड की रोड देख लो इधर अपने इसाकगढ़ वाले कंपाउंड की रोड देख लो मेरा काम मुक्ति शायद भी कराएगा आप किसको देखना चाह रहे हैं भैया नहीं अपना कुछ बोलना नहीं है अरे अब भैया आमदार किसको देखना चाह रहे हैं वोट नहीं आती हैं वोट नहीं आती आपकी हाँ वोटर आईडी कार्ड नहीं बना बनवाएंगे क्या वोटर आईडी कार्ड बनवा देंगे क्या किसका मेरा नहीं वो तो आपकी जिम्मेदारी है ना मेरी जिम्मेदारी अगर आप आपकी उम्र कितनी हो गई है कोई 28-30 साल 28-30 साल की उम्र में भी आप अगर अपने सरकारी दस्तावेजात नहीं बना पा रहे हैं ना तो किसी दिन ये देश की कोई हुकूमत आ जाएगी और आपको उखाड़ के फेंक देगी बाहर और आप हाथ पे हाथ मलते रह जाएंगे चले जाएंगे देश से मोहब्बत नहीं है देश से तो मोहब्बत है मगर चले जाएंगे क्या करेंगे और आपका क्या नाम इमरान आमदार के रूप में किसे देखना चाह रहे हैं मौलाना को देखना मौलाना मुफ्ती इस्माइल साहब को तो क्या कोई खास कारण उन्हें सपोर्ट कर रहे नहीं तो कोई खास वजह होगी ना उसके पीछे नहीं कोई वजह नहीं है बस ऐसे ही नहीं ऐसे बात कर लेते हैं सुनिए तो आमदार के रूप में किसे देखना चाह रहे हैं अरे अब जो आएगा वो आएगा आप मुफ्ती साहब या आसिफ भाई कौनसा चैनल है डेक्कन डाइजेस्ट आमदार के रूप में किसे देखना चाह रहे हैं हम आने वाले 5 साल के लिए और मजीद मौजूदा रुकन असम्बली मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब को ही अगला 5 साल का एमएलए देखना चाहते हैं क्योंकि उन्होंने आज शहर मालेगांव में ऐसे बेशुमार बड़े काम है जैसे नुमानी पुल वो काम शुरू हो गया लोग बोलते बड़ा काम होना नुमानी पुल का काम चालू है और 13 फाटा से लेके नेशनल हाईवे जो बाईपास रास्ता था वो बाईपास रास्ते के लिए 165 करोड़ रुपये का वो काम चालू है इसी तरह से तलवाला डैम का 149 करोड़ रुपये का काम वो ही बड़ा काम चालू है साथ ही दो गार्डन वो काम चालू है एक मौलाना उमरान चौक तैयबाबाद में एक गार्डन बनकर तैयार हो गया है दूसरे गार्डन का काम मालदा में 11,000 कॉलोनी में वो भी 6.25 करोड़ रुपये का काम वो भी चालू है ऐसे बेशुमार काम है जो चालू है उसी के साथ साथ पूरे शहर मालेगांव में कम से कम सैकड़ों ऐसी रोड और सड़कें हैं जहाँ कभी किसी साबिक रुकन असम्बली किसी साबिक एमएलए ने आरसीसी सीमेंट कॉन्क्रीट रोड नहीं बनाया
ये आज के मौजूदा एमएलए मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब ने बनाए। अल्हम्दुलिल्लाह कोरोना के दो साल गुजरने के बाद बकिया तीन सालों में उन्होंने लगभग 500 करोड़ रुपये काम मालेगांव शहर में अंजाम दिए। और कोरोना में मैं समझता हूँ मालेगांव ये नहीं महाराष्ट्र में किसी एमएलए ने कोरोना के लिए सबसे पहले अगर 50 लाख रुपये कोई फंड दिया था तो मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब ने दिए थे। उसके बाद वाले साल में कोरोना के लिए 1.5 करोड़ रुपये का फंड सिविल हॉस्पिटल में कोरोना किड और कोरोना के लवाजमात के लिए मेडिसिन के लिए उन्होंने 1.5 करोड़ रुपये का फंड दिया था। बस मेरा यही बोलना है कि हम आने वाले 5 साल के लिए भी मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब को अगला एमएलए बनकर ऐवान असेंबली में देखना चाहते हैं। एक जो लोगों में नाराजगी है कि असदुद्दीन ओवैसी मालेगांव आए थे, बड़े मत से उन्होंने ऐलान किया था कि हर 2 महीने में वो मालेगांव आएंगे वापस और उनकी जिम्मेदारी पे लोग उनको वोट। बेशक उन्होंने कहा था कि हर 2 महीने में मैं आऊँगा, मगर वो क्यों नहीं आए? मैं बिला झिझक इसकी वजाहत करता हूँ। वो इसलिए बोले थे कि अगर उनकी कारकर्दगी हमें नहीं समझ में आएंगी तो हम आएंगे और हर 2 महीने में उनसे हिसाब लेंगे। लेकिन उनको लगा, सोशल मीडिया का दौर है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, प्रिंट मीडिया है, उनको दिखा कि 5 सालों में इन्होंने बेशुमार काम किए। बस इसी वजह से वो है तो इत्मीनान बख्श तरीके से नहीं आ पाए। आज अल्हम्दुलिल्लाह वो आज मालेगांव शहर में मौजूद है और उनका रोड शो जारी है। साथ में एमएलए मुफ्ती इस्माइल कासमी भी है, शुमाली महाराष्ट्र सदर डॉक्टर खालिद परवेज भी है और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के दीगर जिम्मेदारान भी है। और वो जो नहीं आए थे उन्हें तो इतना इत्मीनान था कि मुफ्ती साहब ने 5 साल में बेशुमार काम किए, लोगों को दिखा सोशल मीडिया के जरिए से और आवाम की आंखों के सामने दिखा, इसीलिए वो नहीं आ पाए। आज वो मालेगांव में है। आमदार किसे देखना चाह रहे हैं सर? बबलू को। अरे मजाक मत करो। मुफ्ती साहब को, मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब को। कोई खास वजह उन्हें सपोर्ट करने की? गांव का सब काम उन्होंने किया है और गांव की आवाम को लेके चले हैं। हम जाए काम को आस्ते बोले बराबर आगे काम करवाए सबका, तो इसलिए मुफ्ती साहब का हक है, ये 5 साल भी उनको देना चाहिए। तो उनको भारी ओटो से पतंग को लाना चाहिए। आप सर आमदार के रूप में किसे देखना चाह रहे हैं? हम मुफ्ती इस्माइल को देखना चाह रहे हैं। कोई खास वजह? वो काम करे शहर में, बहुत ढेर काम करे और उनके अंदर बहुत अच्छाई भी है, सब उनके अंदर कोई चीज कमी नहीं है। आमदार के रूप में किसे देखना चाह रहे हैं भैया? हाँ मुफ्ती साहब को देखना चाह रहे हैं। तो कोई खास वजह उन्हें सपोर्ट करने की? हाँ उनका बहुत सा काम हमने देखे, ये हमारी गली की सड़क बनी, पीछे गली की सड़क बनी और वही है इफ्तिताह भी करने आए थे, तो हमको बहुत खुशी उनका काम देखते। अरे आपने को ठीक है नहीं पता क्या नाम भैया आपका? ये इधर है, इधर है सर, इधर है। अच्छा हाँ ये पढ़े लिखे है हम पढ़े नहीं, तब भी वोट तो डालेंगे ना? नहीं मेरी ओटी नहीं आती ना।